भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। पहला मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम ने किस तरह वापसी की और कैसे फिर लगाया जीत का चौका, आज उन्हीं वजहों पर आपसे चर्चा करूंगा कि भारत ने इस सीरीज में कैसे जीत दर्ज कर ली जबकि उसकी टीम बिल्कुल युवा टीम थी, तो ये जीत मिली कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने जिम्बाब्वे से 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती, लेकिन ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो सीरीज की जीत है वो भारत के भविष्य और सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। वो क्या कारण रहे कि पहला मैच गंवाने के बाद भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की और भारत के यंग गन्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये जीत विदेश में मिली है, मतलब जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे को शिकस्त देते हुए भारत ने ये सीरीज जीती है। तो जो पहला और सबसे अहम कारण है वो ये कारण है कि ये जो टीम थी, जो युवा टीम थी, वो किसी एक खिलाड़ी की टीम नहीं थी बल्कि ये टीम एक टीम के रूप में खेल रही थी। हर खिलाड़ी का आप हर मैच में प्रदर्शन देखेंगे कि कभी किसी की वजह से टीम इंडिया जीती तो कभी किसी की वजह से। पहले मैच को आप छोड़ दें तो दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा निकल कर आते हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब यशस्वी जायसवाल, आपको शिवम दुबे और संजू सैमसन जैसे जो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के खिलाड़ी थे वो जिम्बाब्वे समय से नहीं पहुंच सके थे, वैसे में अभिषेक शर्मा ने अपना क्लास दिखाया और जो 47 गेंदों पर उन्होंने सैकड़ा जड़ा उसकी बदौलत भारत ने दूसरा T20 इंटरनेशनल जीता। फिर अगले मैच में वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, उन्होंने अपनी गेंदबाजी के बूते टीम इंडिया को जीत दिला दी। चौथे में यशस्वी जायसवाल सामने आते हैं और वो जिस तरह की पारी खेलते हैं वो और गिल मिलकर 10 विकेट की बड़ी जीत दिला जाते हैं। और आखिरी मैच में शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं, उनकी वजह से आप मैच जीतते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिन चार मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली उन चारों में प्लेयर ऑफ द मैच अलग अलग खिलाड़ी रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक टीम की जीत है, सबने जो है अपनी भूमिका के साथ न्याय किया। एक बात बहुत साफ थी कि सबको उसकी भूमिका बता दी गई थी। अगर आप इस सीरीज में देखें तो सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए, 170 रन। दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 3 ही मैच खेले लेकिन 141 रन बना दिए और उनका स्ट्राइक रेट 166 का रहा। अगर आप बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की तो उन्होंने एक कंसिस्टेंसी दिखाई अपनी बल्लेबाजी में और उनका औसत 67 का रहा। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई। और अभिषेक शर्मा जिन्होंने 124 रन बनाए उनका स्ट्राइक रेट लगभग 175 का रहा। तो आपको हर बैटर दिख रहे हैं। इसी तरह से आप गेंदबाजी में देखें तो मुकेश कुमार ने 3 मैच खेले, उसी में 8 विकेट ले लिए। वाशिंगटन सुंदर ने काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की और 8 विकेट भी लिए, उनकी जो इकोनॉमी रही वो रही 5.16, मतलब 5.16 रन पर ओवर ही जो है वाशिंगटन सुंदर ने खर्च की। आवेश खान को 6 विकेट मिला तो रवि विश्नोई ने भी 6 विकेट लिए और रवि विश्नोई की गुगली समझ पाने में जिम्बाब्वे के बैटर पूरी सीरीज में परेशान रहे कि कौन सी गेंद गुगली होगी, कौन सी गेंद लेग स्पिन होगी, यह समझ पाना जिम्बाब्वे के बैटर्स के लिए बड़ी चुनौती थी। और इसी तरह से आप शिवम दुबे को देखें तो उन्होंने भी 3 विकेट लिए। तो एक ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को डेवलप होना है तो उन्हें गेंदबाजी करनी है और आपने देखा कि आखिरी मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो एक टीम के रूप में यह प्रदर्शन आपको देखने को मिला। आप देखते हैं कि संजू सैमसन आखिरी मैच में जब टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो संजू सैमसन ने एक बेहतरीन पारी खेल दी।
तो जब जिसकी जरूरत हुई कभी ऋतुराज गायकवाड़ सामने आ गए, शुभमन गिल ने कंसिस्टेंसी दिखाई, यशस्वी जायसवाल आए, अभिषेक शर्मा थे, तो सभी अलग अलग मौकों पर प्रदर्शन करते रहे और इस वजह से टीम इंडिया को जीत मिली। और ये जीत की सबसे अहम वजह है कि टीम इंडिया ने एक टीम के रूप में प्रदर्शन किया। दूसरी बात हम करें तो जो युवा खिलाड़ी थे उनकी तारीफ बनती है और उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसकी आप जितनी तारीफ करें वो कम है। एक इंटरनेशनल लेवल पर आप जाते हैं तो वहां चीजें आसान नहीं होती, लेकिन आपने देखा कि जिन भी युवा खिलाड़ियों को अवसर मिला उन्होंने प्रदर्शन किया। खास करके अभिषेक शर्मा ने तो महफिल लूट ली दूसरे T20 इंटरनेशनल में सैकड़ा लगाकर, और उनकी तारीफ चारों ओर हो रही है कि किस तरह से वो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। रियान पराग को सीमित अवसर मिले लेकिन उन सीमित अवसरों में उन्होंने भी प्रभावित किया है। वाशिंगटन सुंदर ने एक गेंदबाज के रूप में अपने आप को स्थापित करने का काम किया इस सीरीज के जरिए, और उन्होंने जो है जरूरत पड़ने पर भले ही वो एक पारी हो लेकिन उसमें स्कोर भी किया है। और एक बड़ी बात यह है कि हारने के बाद वापसी सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन हार के बाद भारतीय टीम ने इस सीरीज में वापसी की है। पहले मैच में 115 रन चेज नहीं कर सकी थी टीम इंडिया और तब काफी आलोचना हुई थी, और जो जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा थे उन्होंने भारतीय टीम के मजे भी लिए थे और कहा था कि ये विकेट जो है 102 वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद अगले मैच से ही भारत ने बताना शुरू कर दिया कि विकेट कितने रनों का है, और फिर जिम्बाब्वे की टीम इस पूरी सीरीज में लौट कर आ नहीं सकी। तो ये जो एक बात है ना इस टीम में, इस नई यंग इंडियन टीम में, जो आप कहते हैं कि ये नया भारत है, ये जवाब देना जानता है और ये मुंह से जवाब कम अपने प्रदर्शन के बूते जवाब ज्यादा देता है। तो ये इस टीम की खासियत थी और इस वजह से भारतीय टीम को जीत मिली है। और एक और बात है कि देखिए जो पुल है भारतीय टीम के पास खिलाड़ियों का, टीम इंडिया की अगर हम बात करें, जो बेंच स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग है। आप कोई बहुत जो स्थापित खिलाड़ी हैं जो लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं उन सभी ने विश्राम ले लिया था। कोई हार्दिक पांड्या नहीं थे, कोई सूर्य कुमार यादव नहीं थे, रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी कोई नहीं थे, यहां पर मोहम्मद सिराज भी नहीं थे। बावजूद इसके इस टीम इंडिया ने दिखा दिया कि जो उसका बेंच स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रांग है और जो पुल है खिलाड़ियों का वो भारत में कितना टैलेंटेड है। तो वो टैलेंट जो है वो जिम्बाब्वे के ऊपर भारी पड़ा है, तो भारतीय जीत की एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा अगर आप बात करें, हम अक्सर बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, लेकिन आप फील्डिंग की बात कीजिए, इस पूरी सीरीज में जो भारतीय टीम की फील्डिंग रही वो लाजवाब रही, बेजोड़ रही। खास करके रवि बिश्नोई ने जो पॉइंट में कैच पकड़ा था वो लाजवाब था, या उन्होंने जो रनआउट किया वो इस सीरीज के दौरान वो लाजवाब था। तो फील्डिंग भारतीय टीम की जो है वो बहुत स्ट्रांग थी, और युवा टीम जब आपके पास होती है तो फील्डिंग जो है वो बड़ा असर डालता है मैच के परिणाम पर। और अगर जिम्बाब्वे और भारतीय टीम के बीच अगर आप फर्क देखें तो फील्डिंग का जो गैप था वो बहुत बड़ा था, बॉलिंग के अंतर्गत वो गैप उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फील्डिंग ने इस गैप को बहुत बढ़ा दिया, इंडियन बॉलिंग को इफेक्टिव बना दिया, जबकि जिम्बाब्वे की खराब फील्डिंग की वजह से उनकी बॉलिंग जो है वो प्रभावहीन हो गई। तो ये हैं वो चंद वजहें जिनकी वजह से टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।